हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल सक्सेस जंक्शन, एक कदम सफलता की ओर। और हम लेकर के आ गए आपके लिए एक और बेहतरीन सी ट्रिक। जी हाँ, वर्गमूल निकालने की बेहतरीन सी ट्रिक हम आपके लिए लेकर के आ गए हैं कि वर्गमूल हम कैसे निकालेंगे। भाग विधि से अगर आप निकालते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा समय लगने वाला है और बहुत से लोगों को कठिन भी लगती है भाग विधि, लेकिन हम आपको एक ट्रिक की मदद से बताएंगे कैसे आपको निकालना है वर्गमूल चुटकियों में। देखिए, सबसे पहले आपको ये संख्याएं जो है ये वर्गमूल आपको याद कर लेने होंगे। याद होंगे यार, इतने तो याद ही होंगे यार। 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, क्या 10 तक आपको स्क्वायर भी नहीं याद है? बड़ी आसानी से याद होंगे आपको। देखिए, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81 और 100 आपको सबको याद होंगे, इतने तो आसानी से याद होंगे। तो बस इसी को बेस बना करके हम इसका आंसर निकालने वाले हैं। आइए देखते हैं, आपको बताते हैं कैसे निकालेंगे हम वर्गमूल चुटकियों में। देखिए, मान लीजिए हमें 1764 का वर्गमूल निकालना है, तो वही यूनिट डिजिट पर हम काम करेंगे। तो पहला यूनिट डिजिट क्या है? 4। यहाँ पर देखिए किसके लास्ट में जो है 4 आ रहा है, किसके स्क्वायर में 4 आ रहा है, तो एक तो 2 के में आ रहा है, ठीक है, तो हमने यहाँ पर 2 लिख लिया, ठीक है। उसके बाद नीचे जाते हैं तो 8 के स्क्वायर का भी यूनिट डिजिट क्या है? 4 है, तो यहाँ पर हम 8 लिख लेंगे। अब हमको मिल गई 2 संख्याएं, ठीक है, 2 और 8, यानी कि जो भी संख्या आएगी उसका यूनिट डिजिट या तो 2 होगा या फिर 8 होगा। तो क्या होगा, आइए देखते हैं। अब देखिए, यहाँ पर वर्ग की बात हो रही है, तो वर्ग में कितना? 2 पर काम करेंगे, तो 2 के बाद स्लैश लगा देंगे, जैसे कि हमने घनमूल में आपको 3 पर बताया था। अब देखिए, अपने पास इसको हम भूल जाएंगे बिल्कुल, अपने पास बचा 17 किसके स्क्वायर के बीच में आ रहा है, जैसा हमने घनमूल में किया था। तो देखिए, 4 के स्क्वायर के बीच में, देखो 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 5 का 25 हो गया। 5 अगर लिखेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे? 4 लिखेंगे। लीजिए, हमने यहाँ पर 4 लिख दिया और हमने यहाँ पर भी 4 लिख दिया, यानी कि ये जो स्क्वायर है वो या तो 42 का स्क्वायर है या फिर 48 का स्क्वायर है। इतना क्लियर हो गया, ठीक है, इन दो संख्याओं का स्क्वायर है। तो हम ये कैसे निकालेंगे कि इनमें से किसी एक का स्क्वायर है? तो देखिए, 17 आ गया। अब ये 17 किसका स्क्वायर था? 4 का था ना, ये मतलब 4 के स्क्वायर के पास में आ रहा था ना, तो ये जो 4 है इसका इसके अगली संख्या में गुणा कीजिए, तो 4 के बाद क्या आता है? 4 के बाद आता है 5। तो 4 का जब हम 5 में गुणा करेंगे तो कितना आ गया? आ गया 20, ठीक है। अब बस ये देख लीजिए, ये जो 17 है वो इस 20 से छोटा है या बड़ा है? तो ये 20 से छोटा है, तो अगर ये संख्या छोटा है, जो है ये आपका 17 छोटा है, तो छोटी संख्या आंसर हो जाएगी। अगर बड़ा होता तो ये आंसर हो जाती। तो 20 से छोटा है 17, इसलिए यहाँ पर 42 इसका आंसर हो गया, यानी कि 42 जो है उसका आप वर्ग करेंगे तो 1764 आएगा। और वर्ग कैसे करना, इसकी ट्रिक तो हम आपको 3-3 विधि से बता चुके हैं प्रीवियस वीडियो में, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, 2304 दिया हुआ है। अब देखिए, अब हमको यही करना है। देखिए, 2304 है, पहला डिजिट देखेंगे क्या है? 4, तो हमने यहाँ पर लिखा 4 यूनिट डिजिट है। अब स्क्वायर देखेंगे 4 किसका है, तो 2 का स्क्वायर है, तो यहाँ पर 2 लिख लिया। 2 के लास्ट में 4 आता है, पहली बात, और भी तो 4 कहीं आता है, किसके? 8 के स्क्वायर में आता है, तो हमने यहाँ पर 8 भी लिख लिया, ठीक है। आगे चलते हैं, 2 के बाद स्लैश लगाएंगे, हमने 2 के बाद स्लैश लगा दिया। 23 बची अपने पास, 23 किसके स्क्वायर में आता है? आइए देखेंगे, तो 5 का ज़्यादा हो जाएगा 25, तो 4 के स्क्वायर में आएगा, ठीक है। तो हमने ये 4 उठा करके यहाँ पर लिख लिया, तो 4 और 4, देखिए या तो 42 का या फिर 48 का, ठीक है। अब इनमें से एक निकालना है, तो 4 के बाद क्या आता है? ये जो पहली संख्या उसके अगली संख्या में गुणा करेंगे, तो 4 के बाद आता है 5, तो 5 में गुणा किया तो फिर से आपके पास आ गया 20। अब देखिए, ये 23 इस 20 से ज़्यादा है या कम है? ज़्यादा है, ज़्यादा है, तो हम बड़ी संख्या, अपना आंसर हो जाएगा 48। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया। हम पूरी प्रैक्टिस कराएंगे, हमने आपको पहले ही बोला था प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, तो ज़्यादा से ज़्यादा सवाल आपको कराएंगे, आपको समझ में आने की गारंटी मेरी है। मैं आपको समझ में ले आऊँगा कैसे आपको ये प्रश्न सॉल्व करने हैं बड़ी आसानी से। देखिए, अब 4096 है, किसका स्क्वायर रूट है? इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम 6 पर देखेंगे, तो 6 किसके किसके लास्ट में आता है स्क्वायर में? आइए देखते हैं, ऊपर से आए तो पहली बात तो 4 का यूनिट डिजिट 6 है, तो हमने यहाँ पर पहली संख्या यूनिट डिजिट 4 लिख लिया, ठीक है। नीचे चलते हैं तो 6 का भी तो 6 होता है यूनिट डिजिट, देखिए 36 है ना, यूनिट डिजिट 6 है, कोई बात नहीं, तो हमने यहाँ पर 6 भी लिख लिया, ठीक है। 2 के बाद स्लैश, जैसा कि हमने आपको बताया था। 40 देखेंगे किसके स्क्वायर में आता है, तो 6 का स्क्वायर 36, 7 का 49, 7 का ज़्यादा हो जाएगा, 6 के में आ जाएगा, तो यहाँ पर 6 लिख देंगे ऊपर और यहाँ पर भी 6 लिख देंगे ऊपर। अब या तो ये स्क्वायर 64 का है या फिर ये स्क्वायर 66 का है, तो किसका स्क्वायर है ये, आइए देखते हैं। अब देखिए, यहाँ पर पहला डिजिट क्या आ रहा है? 6, और 6 के बाद क्या आता है? उसकी अगली संख्या में गुणा करते हैं, जैसा हमने ऊपर बताया था, तो 6 के बाद आता है 7, तो 7 में हमने गुणा किया, अपन को जो संख्या मिली वो मिली 42।
अब 42 से इसको कंपेयर कर लीजिए, ये जो दो डिजिट बचे हैं अपने पास 40, वो 42 से बड़े हैं या फिर छोटे हैं? तो 42 से छोटा है 40, तो इसमें छोटी संख्या कौन सी है? 64। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, 64 का स्क्वायर है ये 4096। हमने आपको निकाल कर भी बताया था कैसे निकालना है बेस वैल्यू पर आधार मान करके। चलिए 6084 पर हम काम करते हैं। देखिए 4 यूनिट डिजिट है, देखिए यहाँ पर किसके यूनिट डिजिट 4 है, तो 2 का यूनिट डिजिट 4 है यहाँ पर, और 8 का भी यूनिट डिजिट 4 है, तो लिख लेंगे यहाँ पर 2 लिख देंगे और यहाँ पर 8 लिख देंगे, हमको यूनिट डिजिट मिल गया। ठीक है, स्लैश लगाया, इस संख्या को भूल जाइए, इस पर काम करेंगे, 60 बचा हुआ है। अब 60 किसके स्क्वायर में आता है, आइए देखते हैं। 6 का 36 छोड़ो, 7 का 49, देखिए 7 का 49 और 8 का 64, 8 का तो ज़्यादा हो जा रहा है, तो किसका होगा? 7 का होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 7 और यहाँ पर भी लिख लिया 7। अब या तो ये 72 का स्क्वायर रूट है या फिर ये 78 का स्क्वायर है, तो अब ये निकालेंगे कैसे? जैसा कि हमने आपको बताया था पहली संख्या क्या है, 7 है, तो 7 का इसकी अगली संख्या में गुणा करेंगे, तो गुणा करेंगे किसमें? 8 में, तो 7 का 8 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 56 आ जाएगा, 7 8 56 होता है, 7 8 56, तो 56 आ गया। अब हम इसी वैल्यू से इसको कंपेयर करेंगे, तो 60 जो है वो 56 से बड़ा है या फिर छोटा है? तो 56 से तो बड़ा है 60, तो इसमें जो भी बड़ी संख्या होगी वो इसका आंसर हो जाएगी, तो 78 72 से बड़ा है, तो ये इसका आंसर हो गया, यानी कि 6084 जो है वो 78 का स्क्वायर रूट है। आइए कुछ और सवाल आपको करके दिखाते हैं, पूरा समझाएंगे, ये हमारी गारंटी है। कुछ और संख्याओं पर आइए करके देख लेते हैं, कुछ बड़ी संख्या ले लेते हैं। देखिए ये रहा 6724, तो फिर से हम यूनिट डिजिट देखेंगे, यूनिट डिजिट क्या है? 4। यहाँ पर देखिए 4 कहाँ पर आ रहा है, तो 2 के स्क्वायर में 4 आ रहा है पहले, उसके बाद कहाँ पर आ रहा है? तो 8 के स्क्वायर में 4 आ रहा है, यानी कि अपना यूनिट डिजिट या तो 2 होगा या फिर 8 होगा, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 2 और यहाँ पर लिख दिया 8, 2 और 8 हमको यूनिट डिजिट मिल गया। आइए अब हम 2 के बाद स्लैश लगाएंगे, इस 2 को भूल जाएंगे, 67 हमारे पास बचा, किसके स्क्वायर में 67 आता, आइए देखते हैं। तो 6 भी हटाइए, 7 भी हटाइए, 8 का स्क्वायर 64 होता है, 9 का 81 होता है, तो 81 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो हम इस 9 को भूल जाएंगे, छोटी संख्या क्या है 8, हम इस 8 को यहाँ पर लिख देंगे, तो या तो ये 82 है या फिर ये 88 का स्क्वायर रूट है। अब देखिए निकालेंगे कैसे इन दोनों में से कौन सी संख्या है, तो देखिए 67 हम अपने दिमाग में रखेंगे और 8 के बाद क्या आता है, 8 के बाद आता है 9, तो इसकी अगली संख्या से गुणा करते हैं, हमने आपको बताया था, तो 8 के बाद 9 आता है, तो गुणा 9, और 8 में 9 का गुणा किया तो हमको संख्या मिली 72, 72। अब इस 72 से ही इसको कंपेयर करेंगे 67 को, तो कंपेयर कीजिए 72 से 67 बड़ा है या फिर छोटा है? छोटा है, आप तो इतना जानते ही होंगे, तो छोटी संख्या हमारा आंसर हो जाएगी, यानी कि 82 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 6724 होता है। आइए एक और सवाल करके देखते हैं, बड़ी संख्या 8649, बड़ी से बड़ी संख्या आ जाए, छोटी से छोटी संख्या आ जाए, आप चुटकियों में निकालेंगे, अब तो आपको समझ में आने लगा होगा ना। देखिए आइए देखते हैं, तो फिर से हम यूनिट डिजिट पर काम करेंगे, 9 किसके स्क्वायर में आता है? एक तो 3 में आता है, तो हमने यहाँ पर 3 लिख लिया, उसके बाद नीचे आ जाइए तो फिर 80 हो गया, ये देखिए 7 का भी यूनिट डिजिट 9 है और यहाँ पर 9 है, तो यहाँ पर 7 लिख दिया। ठीक है, यानी कि जो भी आंसर आएगा उसका यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक या तो 3 होगा या फिर 7 होगा। आइए देखते हैं, स्लैश लगाया, इसको भूल जाओ, 86 किसके स्क्वायर में आ रहा है? 8 का 64, 9 का 81 और 10 का तो 100 हो जाता है, तो छोटी संख्या क्या है? 9, इसमें आएगा ना 100, तो ज़्यादा हो जाएगा, तो हमने यहाँ पर 9 लिख लिया और यहाँ पर भी 9 लिख लिया, यानी कि या तो ये 93 का स्क्वायर रूट है या फिर 97 का स्क्वायर रूट है। अब कैसे निकालेंगे? देखिए 9 के बाद क्या आता है? 9 के बाद आता है 10, पहली संख्या पर ही कंपेयर करेंगे, तो 9 में गुणा करेंगे 10 का, तो अपन को क्या मिल जाएगा? 90। अब ये जो 90 है, ये जो 90 है, वो इससे छोटा है या बड़ा है? 86 इस 90 से बड़ा है या फिर छोटा है? तो 86 तो छोटा होता है 90 से, तो हम यहाँ पर देखिए छोटी संख्या जो हमारी होगी वो आंसर हो जाएगी, यानी कि 93 का ये जो है वो स्क्वायर रूट 93 का है, यानी कि 93 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो 8649 यहाँ पर आंसर आने वाला है। आइए देखते हैं एक और संख्या, देखिए 9409, आइए इसका स्क्वायर रूट निकाल के देखते हैं, तो पहले यूनिट डिजिट क्या है? 9 देखिए कहाँ पर आ रहा है, तो 3 में आ रहा है, तो हमने यहाँ पर 3 लिख लिया, उसके बाद नीचे आएंगे तो 7 में आ रहा है, तो हमने यहाँ पर 7 लिख लिया, तो ये यूनिट डिजिट अपन को मिल गई। इसके यूनिट डिजिट से इसकी यूनिट डिजिट फाइंड आउट हो जाती है। ठीक है, देखिए यहाँ पर 9 3, तो हमने 3 लिख दिया, 49 में भी आता है तो हमने 7 लिख दिया, अब हमको इसकी यूनिट डिजिट यहाँ पर मिल गई, यानी इकाई अंक हमको मिल गया। अब यहाँ पर 02 के बाद में स्लैश लगा दीजिए, अब इन दोनों को भूल जाइए, 94 की बात करते हैं, तो 94 किसके स्क्वायर रूट में आता है? देखिए 9 का होता है 81, ठीक है, 10 का होता है 100, 10 का तो ज़्यादा हो गया, तो 9 के में आएगा, तो यहाँ पर 93 या फिर 97, या तो ये 93 का स्क्वायर रूट है या फिर ये 97 का स्क्वायर रूट है। अब निकालेंगे कैसे, तो वही पहला डिजिट क्या है? 9, 9 के बाद क्या आता है? 10 आता है, तो 9 में गुणा करेंगे 10 का, जब 9 में 10 का गुणा किया तो हमारे पास आया 90,
अब ये जो 90 आया है, इस 90 से हम इसको कंपेयर करेंगे, तो इस 94 जो है वो इस 90 से बड़ा है कि छोटा है? तो आपको पता है ये तो बड़ा है, तो बड़ी संख्या जो होगी वो हमारा आंसर हो जाएगी, यानी कि 97 जो है ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये जो है वो 97 का स्क्वायर है, ठीक है। उम्मीद करते हैं पूरी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तब आपको क्या करना है, आपको बस इतना करना है, अपना मोबाइल लेना है। मोबाइल में जैसे कि हमने यहाँ पर कितने का 93 का निकाला है, तो आपको क्या करना है, 94 मल्टीप्लाई बाई 94 करेंगे तो एक आंसर निकल के आएगा। उस आंसर के ऊपर आपको ये स्क्वायर रूट का चिन्ह बनाना है ऐसे करके, और फिर इस टेक्निक से आपको निकालना है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, बहुत अच्छे से समझ में आएगा उम्मीद करते हैं हम। ये चीज़ें तो आपको याद होंगी, ये तो याद करना ही पड़ेगा, और बड़ा आसान है याद करना यार। 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 16, 25, 36, 49, 81, 64 और 100, बड़े आसानी से याद हो जाएगा आपको, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसी बहुत सी ट्रिक जो है और टेक्निक्स जो है हमारी वीडियो में दी हुई, हमारे चैनल में दी हुई है। एक बार आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नंबर सिस्टम का ये जो लार्ज पोर्शन है, इसको हमने बड़े आसानी से सॉल्व कर लिया। इसके बाद नंबर सिस्टम हम स्टार्ट करेंगे, और कैसे करेंगे, नंबर सिस्टम को चुटकियों में कैसे उड़ाएंगे वो हम आपको बताएंगे। बैंक में नंबर सिस्टम बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, कम से कम 8 से 10 नंबर आपको देता है नंबर सिस्टम। और जो आपकी SBI क्लर्क की बात हो गई, इधर हम बात करते हैं SSC में जो बात करते हैं, उसके व्यापम MP पुलिस में कम से कम 4 से 5 नंबर का नंबर सिस्टम आता है। तो मैथ में जो 20 नंबर का मैथ आता है MP पुलिस में, तो 4 से 5 नंबर का तो भाई नंबर सिस्टम ही आता है। बड़ी आसानी से आप उड़ाने वाले हैं इस नंबर सिस्टम को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगी दोस्तों को शेयर कर दीजिए। तो जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।